जयपुर के कानोता क्षेत्र में एक युवती के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां युवती के दोनों हाथ पैर बांधकर युवती के साथ क्रूरता की गई। क्रूरता के बाद आरोपियों ने युवती को नग्न अवस्था में कानोता थाना इलाके में सुनसान सड़क पर पटक दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां युवती का इलाज जारी है। मामले में जानकारी लेने के लिए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा भी अस्पताल पहुंची और पीड़िता से जानकारी ली। वहीं पुलिस कमिश्नर ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो एक रेजिडेंट डॉक्टर के संपर्क में थी, जिसके कथित धोखे की शिकायत उसने पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने मदद के नाम पर उसका शोषण किया। और ये घटना तो बहुत ही, मैं कहूँगी कि इतना हीनियस और इतना हॉरिबल है ये घटना। जब इस लड़की से भी मैं मिल के आई हूँ और उस बच्ची का जब दर्द उसने बताया, ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को, क्योंकि इसमें एक पुलिस कांस्टेबल इन्वॉल्व है, एक SMS के रेजिडेंट डॉक्टर इन्वॉल्व हैं और एक कोई ह्यूमन राइट्स का एज अ फर्जी मेंबर बन के इसको एक्सप्लॉइट करता रहा। ये तीनों लोगों ने इसके साथ मतलब ज्यादती की है। इसको एग्जामिन सारा करवा लिया है, मेडिकल बोर्ड बना है, बोर्ड ने एग्जामिन कर लिया और स्थिति अभी कंट्रोल्ड है, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। नहीं, बाप परदादा ऐसा कुछ नहीं है, कर्टन लगा रखे हैं, चारों तरफ कर्टन लगा के उनको वहाँ पे सेग्रीगेट